वर्ल्ड कप में मायूसकुन कारकर्दगी दिखाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी समेत हेड कोच, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच को फारिग करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमाम उलग की सरबराई में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी को फारिग करने का भी फैसला कर लिया है और इस बार सिलेक्शन कमेटी के मुआहदे में तोसी ना करने का फैसला किया गया है। हेड कोच मिकी आर्थर, बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और बॉलिंग कोच अजहर महमूद को भी फारिग करने का इम्कान है। तमाम इनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का फैसला एमडी वसीम खान और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड करेंगे। दोस्तों पीसीबी सरफराज को वनडे और टेस्ट की कप्तानी से हटा कर नए कप्तान की तकरारी पर गौर कर रही है, मगर सरफराज अहमद आइंदा वर्ल्ड कप मतलब के 2023 के वर्ल्ड कप तक टीम में रहना चाहते हैं और उनका कहना है कि कैप्टनसी का फैसला मतलब चेयरमैन करेंगे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। वर्ल्ड कप में मायूसकुन कारकर्दगी दिखाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच को फारिग करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमाम उलग की सरबराई में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी को फारिग करने का भी फैसला कर लिया है और इस बार सिलेक्शन कमेटी के मुआहदे में तस्वीर न करने का फैसला कर लिया गया है। हेड कोच मिकी आर्थर, बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और बॉलिंग कोच अजहर महमूद को भी फारिग करने का इम्कान है। तमाम इनके कॉन्ट्रैक्ट में तस्वीर का फैसला एमडी वसीम खान और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड करेंगे। पीसीबी सरफराज को वनडे टेस्ट की कप्तानी से हटाकर ने कप्तान की तकरीरी पर गौर करी है, मगर सरफराज आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप तक T20 के कप्तान रहेंगे, जबकि वनडे टेस्ट की अलग अलग टीम बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। पीसीबी क्रिकेट कमेटी की मीटिंग 22 से 24 जुलाई तक मतवका है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि क्रिकेट के मामला को कैसे निपटाना है और अगला कप्तान कौन होगा। और अभी जिनके नाम लिए जा रहे हैं उसमें बाबर आजम को कैप्टन बनाने का सोचा जा रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे मतलब ऑलराउंडर इमाद वसीम को वाइस कैप्टन बनाने का सोचा जा रहा है। तो देखें आप क्या होता है आगे। अगर आपको किसी भी अपडेट की जरूरत है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को रेगुलर विजिट करते रहें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।